धन्यवाद के शर्मा जी, और आप सभी को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद कि एक छोटे से नोटिस के अंदर आप लोग आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध हुए। बंधुगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस वार्ता है, उसका शीर्षक है राहुल, रिहाना और नेकेट। राहुल गांधी कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। दो दिन से कुछ लोग हम में से जान रहे हैं कि रिहाना भी कौन है, परसों तक नहीं जानते थे बहुत लोग। और रैकेट, ये रैकेट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बहुत पहले से अनेकों विषयों पे चलता आ रहा है, उसे हमने रैकेट का नाम दिया है, और आज उसी रैकेट को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अभी चंद मिनटों पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने उसी अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी का परिचय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा। कहीं ना कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की, और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयास राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाए, there will be fire in the cities, slums में जाके लड़ाई हो, और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी, उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किला बंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किला बंदी कर रही है, और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया, और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया, क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था और अन्य विपक्षी दलों का भी था। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे थे। आज हम सल्यूट करते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों, जिनको देखने के लिए हमारे गृहमंत्री भी गए, जो खुद तो घायल हो गए किंतु उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। आज अगर हमें, आपको, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया है, कुछ जतन कर रहे हैं, उस पर आप अभी से उंगली उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, ये अपने आप में दुखद है। बंधुगण, एक सवाल मैं राहुल गांधी जी से और पंजाब के कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। कल पंजाब के कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी में हिंसा फैलाने के कारण, उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको पंजाब की जो कांग्रेस है और सेंटर की कांग्रेस, उनको लीगल एड दे। सवाल उठता है, जिस दिन 26 जनवरी का ये घटना हुआ था, कुछ लोग लाल किले पर चढ़ गए थे, जहां झंडा नहीं फहराना चाहिए किसी और धर्म का, वहां केवल तिरंगे का स्थान है, वहां आपने उपद्रव किया था, उसके बाद की तमाम नेताओं ने, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट्स और अपने लोगों को भेजा है हुड़दंग करने के लिए,
यहां पर हिंसा फैलाने के लिए, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाए। सो दैट इन फैक्ट द किसान आंदोलन, द नेम ऑफ द किसान आंदोलन इज स्टार इज ब्लैकेट। और आज जब वही हुदंगी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए तभी जाके बातचीत होगी। आप कह रहे हैं इनको रिहा कर दीजिए क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। कैसे? आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? आप तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बता रहे थे। इनको तथ्यों के आधार पर, अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर, जो फुटेज जनता ने सामने रखी है और जो फुटेज पब्लिक कंजम्पशन के लिए एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अर्थात ये आप ही के लोग थे, अर्थात ये कांग्रेस पार्टी आप ही के लोग थे ना जिनके लिए आप इतने चिंतित हैं और लीगल एड देंगे। वरना मैं तो नहीं मानता कि इस देश में ऐसी कोई संस्था होगी जो अनार्की फैलाने वालों, जो हिंसा फैलाने वालों, और 26 जनवरी में जो दुर्घटना हुई थी उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए, क्या ये लोग आपके हैं जो आप इनके लिए लीगल एड देने के लिए तत्पर है? राहुल गांधी जी ने आज कहा, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं वो सेंटेंस लिख के लाया, उन्होंने कहा यह सरकार किसानों को मारना चाहती है, यह सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास इस मंत्र के आधार पर काम करती है, किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है, सब कैसे उभरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करें, इसकी चाहत किसकी, इस सरकार की, किसान मजदूर मजलूम महिला युवक सबके लिए किसानों की सरकार काम करती है, हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है। और देखिए मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल में निकाल के लाया हूं। 1998 में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अंधाधुंध गोली किस पर चली थी? किसानों की रैली पर चली थी। कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलिया वाले बाग की तरह वहां भून दिए गए थे। राहुल जी इसे मारना कहते हैं, इसे रौंदना कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी को समाप्त करना कहते हैं। किसानों के लाशों के ऊपर आपने राजनीति की थी, आज आप हमारी सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं, ये निंदनीय है। राहुल जी केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया, न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों कि रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, न राहुल को मालूम न रिहाना को मालूम, मगर दोनों के आला देख के दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टेचू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिग्नेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं, महात्मा गांधी पूरे विश्व के अपोस्टल ऑफ पीस है, शांति दूत है पूरे विश्व के। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टेचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि तीन व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं और ये खुलासा भी हुआ, ये यूं ही विदेश नहीं जाते, वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम, हमने आपको कहा था ना कि
चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया, 2008 का एमओयू भी हुआ था, वो फोटो भी सामने आया माँ बेटे का, शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, माँ बेटे दाएं और बाएं खड़े थे, वहां भी जाके मिल के आए चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वहां भी जाके प्रोपेगेंडा करके आए, और आज चाइना चाइना कर रहे थे, डिफेंस बजट के बारे में बोल रहे थे। जितना डिफेंस बजट पे मोदी की सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, मॉडर्न गैजेट्स के लिए जितने इस सरकार ने काम किया है, किसी पिछले सरकार ने उतना काम नहीं किया। 10 वर्षों तक राफेल को आपने टाल के रखा, आज हमने बेंगलोर के एयरो शो में राफेल को देखा, गरजते हुए देखा। राहुल गांधी आपने देखा आज राफेल को? आपने देखा नहीं, आपने केवल पीसी करके हिंदुस्तान की मनोबल को नीचे करने की कोशिश की। बंधुगण, जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विषय में जानना होगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दीज थ्री फार्म बिल्स वर पास्ड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, आफ्टर ड्यू डिबेट, आफ्टर डिस्कशन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑन द फ्लोर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये इंडियन पार्लियामेंट में ये तीनों कानून पारित हुए डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद। एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? Duly elected member of parliaments of Indian Parliament, in fact, are the representative of each and every Indian. 130 करोड़ के जो representative हैं, उन लोगों ने discussion करके ये कानून पारित किया। ठीक है, कानून पे मतभेद आपका था, सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस कानून को लेकर हमने एक कमिटी निर्धारित किया है, इस कमिटी के माध्यम से सुनवाई होगी, अब इस कमिटी के सामने सब प्रस्तुत। आपके लिए पार्लियामेंट भी छोटा है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है। ये 3-4 लोग ट्वीट करेंगे, उसी ट्वीट के आधार पर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तोड़ेंगे। राहुल जी, रिहाना जी नहीं समझती है ये सब, कम से कम आप सोचने और समझने की क्षमता रखें। वो नहीं जानती है इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मियां खलीफा नहीं जानती है सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में किस प्रकार से इस पूरे विषय को सुन चुका है, किस प्रकार से कमिटी की गठन हुई, इस प्रकार इस कानून को लेकर 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और तमाम आला मंत्री इन टॉक्स में थे। प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी मीटिंग में 3 दिन पहले किस प्रकार का फिर से इस विषय का पुनरावृत्ति की कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। ये होता है लोकतंत्र। इसलिए इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जो आज पूरा भारतवर्ष कह रहा है और आज हम भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के झूठे अपवाद, इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडा से हम सबको बचने की आवश्यकता है। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जैसे राहुल गांधी, इस प्रकार की भ्रम फैलाने की कोशिश वो ना करें।